नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और जिक्र देवभूमि के दंगल में, गारंटियों का दौर जारी, किसकी कितनी तैयारी। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी पर अब वार शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी और राहुल की गारंटी को जन जन तक पहुंचाने में जुट गए हैं। और मोदी की गारंटी के बाद कांग्रेस की ओर से राहुल की गारंटी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राहुल की गारंटी के तहत कांग्रेस की सरकार बनने पर देश के 30 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार, पहली नौकरी की पक्की गारंटी और पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, स्टार्टअप फंडिंग के लिए कांग्रेस की ओर से 5,000 करोड़ रुपए के कोष बनाने की गारंटी दी गई है। कांग्रेस की ओर से मोदी की हवा हवाई बातें बताई जा रही हैं, जबकि बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि मोदी की गारंटी के सामने राहुल की गारंटी पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां बीजेपी ने मोदी की गारंटी के सहारे अपना सफर शुरू किया था, वहीं अब मोदी की गारंटी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी ने भी बड़ा दांव खेला है, जिसमें उन्होंने 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया है। सवाल ये है कि आखिर किसकी गारंटी में कितना दम है और क्या राहुल की गारंटी 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बना पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही भाजपा कांग्रेस ने जनता के सामने सरकार बनाने पर तमाम कार्यों को पूरा करने का दावा किया है। इसी के तहत लोकसभा चुनाव में मोदी गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी की नई सियासी जंग शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी और राहुल की गारंटी को जन जन तक पहुंचाने के काम में भी लग चुके हैं। मोदी की गारंटी के बाद कांग्रेस की ओर से राहुल की गारंटी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं आम जनता का कहना है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों की ओर से लोक लुभावनी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सभी घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरती हैं। मुझे लगता है चुनावी माहौल देख के ये गारंटियां बांटी जा रही हैं, अर्थात चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी कहीं भी पार्टी दिखाई नहीं देगी। तो ये गारंटियां पूरी होगी लगता है आपको ऐसा? मुझे नहीं लगता। जो मोदी जी गारंटी बता रहे हैं वो गारंटी पूरी उन्होंने पूरी करी? मोदी जी से फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि मोदी जी कुछ गारंटियां पूरी करेंगे, लेकिन सारी गारंटियां कोई भी नहीं पूरी करता। इसमें गारंटी तो जो पहले थी उस गारंटी से भी है ना समाप्त हो चुके हैं। जो आदमी गरीब था तबके का था है ना, अपनी रोज रोटी कमा लेता था, उससे भी है ना आदमी रोज रोटी कमाने के बावजूद भी स्वस्थ नहीं है अपने घर में और परेशान है, महंगाई ज़्यादा लगा चुके। आपको बता दें कि राहुल की गारंटी के तहत कांग्रेस की सरकार बनने पर देश के 30 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार, पहली नौकरी की पक्की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी, गीग इकोनॉमिक में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, स्टार्टअप फंडिंग के लिए कांग्रेस की ओर से 5,000 करोड़ रुपए के कोष बनाने की गारंटी दी गई है। वहीं भाजपा की ओर से मोदी की गारंटी के तहत पक्का घर, हर घर में नल से जल, गैर कनेक्शन जैसे तमाम कार्य मोदी की गारंटी है। भाजपा का दावा है कि जहां दूसरे दलों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि मोदी की गारंटी हवा हवाई है। सत्ता में आने से पहले बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने की भी गारंटी भाजपा ने दी थी। जनता के मन में मोदी है, मोदी के दिल में जनता है। मोदी जी की हर बात पर जनता विश्वास करती है, अपना समर्थन और आशीर्वाद देती है। पिछले 60 साल के जो कांग्रेस के कारनामे हैं, उससे कांग्रेस की विश्वसनीयता जनता में पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जनता उनकी किसी गारंटी को मानती नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये केवल बोलते हैं। देखिए, गारंटियों की तो कोई वैल्यू है नहीं। गारंटी देने के लिए तो कुछ भी ये लोग गारंटी देते हैं, मगर फिर बाद में जब ये सरकार बनाते हैं तो ये सारी अपनी गारंटियाँ भूल जाते हैं। आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुद्दे थे उन पर गारंटियाँ दी, मगर कुछ नहीं। करप्शन वैसे, भ्रष्टाचार वैसे का वैसा ही चल रहा है,
और नौकरियां नहीं मिल रही। इन्होंने बहुत उस समय गारंटी दी कि नौकरियां देंगे, 1-1.5 लाख युवकों को नौकरियां देंगे, मगर कोई नौकरियां मिली। तो गारंटी उसी प्रकार से कांग्रेस भी अपनी गारंटी देती रहती है, और इतने साल से आप लगाइए कि 22-23 साल से सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, यही भाजपा है और यही कांग्रेस है और यही गारंटियां दी जा रही हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी की नई सियासी जंग शुरू हो गई है। सवाल ये है कि आखिर किसकी गारंटी में कितना दम है, और क्या राहुल की गारंटी 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बना पाने में कामयाब होगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेक्स रिपोर्ट। तो 2024 को लेकर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अब गारंटी वर्सेस गारंटी, यानी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और यहां पर मोदी की गारंटी और राहुल की गारंटी पर अब एक जंग की शुरुआत हो चुकी है। और लेकिन आम जनता की जो राय निकलकर सामने आ रही है, आम जनता की राय ये कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी में थोड़ा सा भरोसा नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस की गारंटी यानी कि राहुल गांधी की गारंटी पर भरोसा नहीं है। मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ हनी पाठक जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मीनाक्षी घिल्डियाल जी हैं, यूकेडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रतनमणि डोभाल जी हैं एज ए वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मीनाक्षी जी भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही आशीष नौटियाल जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं हनी पाठक जी से। हनी पाठक जी, भाई मोदी की गारंटी का जिक्र हो रहा था, लगातार विपक्ष के कई सवाल कि जो जनता का विश्वास है, या ये कहा जाए कि ठगने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अब उसी फॉर्मूले पर कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही है। देखिए ऐसा है एंकर महोदय, भारतीय जनता पार्टी से सीख रही है अगर कोई इंडी गठबंधन, तो बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए, और सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है। 70 साल से ऊपर इन पूरे लोगों ने राज किया, अब इनको भारतीय जनता पार्टी से सीखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल सीखना चाहिए। जनता का भला जिस चीज से हो, उस चीज को अगर हम किसी से सीखते हैं तो वो बहुत बढ़िया बात है, इनको बिल्कुल सीखना चाहिए। और रही जहां तक गारंटी की बात, तो इस समय लाभार्थी योजना आप देख रहे होंगे, और मोदी की विकसित भारत की जो गारंटी की गाड़ी चल रही है उसको भी लगातार पूरी मीडिया कवर भी कर रही है। जरा उसमें जो लोग वहां पर बैठ के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपनी चीजों को, जो उन्होंने लाभ पाया है उसकी वार्ता कर रहे हैं, उनसे जाके कांग्रेसियों को किसी ने मना नहीं किया है, इंडी गठबंधन वालों को किसी ने मना नहीं किया। जनता जितनी हमारी है उतनी आपकी भी है, क्योंकि जनता तो जनार्दन होती है। आप उनसे जाइए, उनसे वार्तालाप करिए और हमको ये बताइए ना। देखिए विपक्ष का क्या काम होता है एंकर महोदय, विपक्ष का ये काम होता है कि कोई अगर पक्षधर पार्टी कोई चीज आपके सामने प्रस्तुत कर रही है तो उसके एंटी में चीजों को दिखाइए। विकसित भारत की जो गाड़ी चल रही है, मोदी की गारंटी की जो गाड़ी चल रही है, उसमें जो लोग जनता जनार्दन हमारी उस पर वार्तालाप कर रही है, उनसे ये भी जाए मिले। और लेकिन जनता त्रस्त भी है, जनता पलायन भी कर रही है, जनता त्रस्त भी है, जनता बेरोजगार भी है, ये मूलभूत जो मुद्दे हैं बेसिक, ये भी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हावी तो किसी भी तरीके से नहीं हुए, अगर ये हावी हुए होते तो कहीं ना कहीं से ये जीत हासिल करके आते। ये हावी नहीं हो पाए हैं, उसका सबसे बड़ा आपको रिजल्ट ये नजर आ रहा होगा कि इनके युवराज श्री राहुल गांधी जी अब वायनाड से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी जिसे इतनी बुरी तरह से वो डर गए हैं कि उन्होंने अमेठी से अपना पल्ला झाड़ लिया है, जिस अमेठी की जनता के लिए वो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि अमेठी की जनता के साथ छल हो रहा है, अमेठी की जनता के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उस अमेठी की जनता को छोड़कर वायनाड क्यों आ गए, वहां से फिर से लड़ो, उनका छल और कपट निकालो। दूसरी चीज, इसमें ऐतराज किस बात का हनी जी, अगर वायनाड से लड़ रहे हैं तो फिर अगर अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज क्यों? बिल्कुल ऐतराज नहीं, किसी प्रकार का ऐतराज नहीं, लेकिन आप मेरी बात का मतलब नहीं समझी। मेरा कहने का मतलब है, अमेठी पे अभी इतना ज्यादा रजा करने के बाद सोनी चौहान जी
अमेठी पर इतना वार्तालाप करने के बाद अमेठी छोड़ना, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इतना तो तुम अमेठी के लिए बोल रहे थे, अब तुमने अमेठी ही छोड़ दिया, अमेठी की जनता जनार्दन को भूल गए। दूसरी चीज गारंटी की, जहां तक बात रही आंकड़ों से बात किया करे, जो आंकड़े होते हैं फिर उसके बाद वार्तालाप करते हैं, ये गठबंधन वाले नजर आए तो अच्छा लगता है। 21 करोड़ से अधिक जो आयुष्मान कार्ड बने हैं और उससे जो लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है, उनसे जाकर पूछिए कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है। उस व्यक्ति से जाकर पूछिए जिनके पास 5 लाख रुपए सालाना खर्च करने का घर में पैसा नहीं होता, तो उन्हें मंगलसूत्र तक बेचना पड़ता था अपने घर के परिवारजनों का। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, बहुत वक्त जाया होगा मुझे लगता है अगर इन योजनाओं का हम जिक्र करेंगे, इनको आप डिस्क्राइब करेंगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, मीनाक्षी घड़ियाल जी भी, घड़ियाल जी भी जुड़ चुकी हैं, यूकेडी प्रवक्ता, रुक कर लेते हैं, इसके बाद आशीष जी का पहले करते हैं। आशीष जी भाई, वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात से भी ऐतराज है क्योंकि वो अमेठी के मूलभूत मुद्दे या जिनको लेकर बहुत मुखर रहे हैं और अब वायनाड से चुनाव लड़ना है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। और साथ ही अब देखा जाए तो अपना कोई कॉन्सेप्ट है कांग्रेस पार्टी का या नहीं, अपनी कोई रणनीति है कांग्रेस पार्टी की या नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर मोदी की गारंटी पर बात हो रही है तो कांग्रेस को अब राहुल की गारंटी की बात करनी है। जनता जनार्दन का अभी सोनी चौहान जी ने मुझे समय दिया नहीं। ठीक है हनी जी, हनी जी आप आपसे जवाब लेंगे, सारे मेहमानों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ठीक है हनी जी, महोदय कहे, मैं बिल्कुल शांत हो रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिक्रिया पहले जरूरी है जी। अभी मुझे हनी मैडम अभी बता रही थी कि वो उनसे पूछे, जो 1 करोड़ जिनको कार्ड मिले उनसे पूछे मोदी की गारंटी क्या। 28 करोड़ से अधिक, अच्छा 22 करोड़ से अधिक। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात करूंगा, जसोदा बेन से पूछे मोदी की गारंटी क्या होती है, वो भी बताएंगी मोदी की गारंटी क्या है। आप दुनिया की बातें करते हैं, एक को तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं और बातें पूरी दुनिया जहां की, ये गारंटी वो गारंटी। आज चुनाव का समय जब आ जाता है, चुनाव होने में 1 महीना बाकी है, तो गैस सिलेंडर 100 रुपए कम करके दिखाते हैं कि आज मैं एक ऐसा काम करके आ गया हूं देश के लिए कि मैंने गैस सिलेंडर 100 रुपए कम कर दिया। जब आपने 900 रुपए सीधे बढ़ाए, 700 रुपए बढ़ाए तो आपने कुछ नहीं बोला, पर आज 100 रुपए कम कर दिया तो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जब चुनाव हो रहे थे, पूरे राजस्थान में बोर्ड लगे हुए थे 450 का गैस सिलेंडर, 450 का गैस सिलेंडर, पर जब चुनाव खत्म हुए तो आपने उसको बात ही खत्म कर दिया। आप कहते हमने बोला ही नहीं। झूठ की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब भ्रष्टाचार। राहुल की गारंटी पे जनता विश्वास कैसे करेगी आशीष जी? कांग्रेस की पार्टी पे आप 100% विश्वास कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने देश को चलाया है। और आज हनी पाठक मैडम जो इतना बोल रही है ना, ये बोलना भी हमने ही सिखाया है, हमने हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करी है। पार्टी है, ठीक है हनी जी, एक मिनट, आशीष जी, आशीष जी, यूकेडी का ये मानना है कि इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का राज रहा यहाँ पर, जो मूलभूत दिक्कतें हैं वो आज भी जस की तस हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा या लाभार्थी योजना के तहत तो जो है विकास हो रहा है, विकास को रफ्तार, बहुत सारी योजनाएं आम जनमानस के हित में लॉन्च की गई और उसका फायदा सीधे तौर पर धरातल पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। आशीष जी, अपनी कोई कांग्रेस की रणनीति है या नहीं, अगर मोदी की गारंटी पर आम जनता को विश्वास नहीं है तो कांग्रेस की रणनीति पर कैसे विश्वास करेगी, गारंटी पर कैसे विश्वास करेगी आम जनता? अगर जनता मैडम कांग्रेस पे विश्वास ना करे तो किस पे करे? झूठ पर विश्वास करे, उन पर विश्वास करे जो 15 लाख बोलते हुए हंस रहे हैं, देखो हमने 15 लाख नहीं दिए, धोखा दे दिया जनता को और जनता से फिर वोट मांगने चले गए बेशरम लोग। किस बात पर आपका विश्वास करे? आपने कालाधन की बात कही थी, आज कालाधन का नाम लेते हुए डरते हैं आप। स्मार्ट सिटी की बात कर रही थी, स्मार्ट सिटी कहां है वो 100 स्मार्ट सिटी? आपने जनता को सिर्फ गुमराह किया है। आपका ना गुजरात मॉडल आया, ना स्मार्ट सिटी आई, ना आपने कालाधन आया। आपने दिया क्या जनता को? 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज मुझे एक का फोन आया, कह रहा मुझे मकान खरीदना, मैंने खरीदता क्यों है? मोदी जी ले ले, 4 करोड़ मकान बना के दे दिए, 3 करोड़ और बनाने वाले। कह रहा कहां है भैया? मैंने कहा तो बोलते क्यों नहीं हो सोशल मीडिया में, बोलो तो सही, हमें कुछ नहीं मिल रहा। कहां है वो मकान 4 करोड़ जो आपने बना के दिए थे? उत्तराखंड में कितने मकान बने? सिर्फ लोगों के, गरीब लोगों के नाम पर आप मकान के पैसे खाते हैं, आप टॉयलेट के नाम पर।
खाने का काम करते हैं, आप गंगा सफाई के नाम पर पैसा खाते हैं, आशीष आपकी गारंटी किस चीज की है? देश को विनाश की ओर ले जाने की गारंटी अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मैडम आज 100 रुपए से ठीक है, कम ठीक है आशीष जी, गलती से देश को विनाश की ओर ले जाने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की। हनी पाठक जी का इस बात पे जवाब ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। उमा सिसोदिया जी भी जुड़ चुकी हैं आम आदमी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी जल्दी से जवाब, इन्होंने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया कि गुजरात मॉडल बनाएंगे, मतलब इनको पूरा विश्वास है कि गुजरात मॉडल बनाने वाला वही व्यक्ति है जिस समय देश का प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी है। अभी तो सोनी चौहान जी मुझे बहुत बोल रहे थे कि सभी चुप हो जाए, मैं बोल रहा हूँ, अब कहाँ गया इनका नारा, अब इनका नारा कहाँ गया? मैं इसीलिए आशीष नौटियाल जी के साथ डिबेट करना बिल्कुल पसंद है। आशीष जी, आशीष जी जवाब लेने के बाद आगे भी जाना है, और भी मेहमान वेट कर रहे हैं। आशीष जी आपको पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का, अभी आपने बोला, आपके बात का जवाब ले लेते हैं। हनी जी जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। 22 करोड़ आपने करोड़ गलत बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला 22 करोड़ खत्म हो गया था, आपकी बात खत्म। हे भगवान, चलिए ठीक है, करेक्शन करते रहिएगा बाद में। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ उमा सिसोदिया जी भी जुड़ चुकी हैं, मीनाक्षी घिल्डियाल जी भी, मीनाक्षी जी का रुख करेंगे। मीनाक्षी जी आप लोगों का कहना है कि भाई इतने सालों से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, इन्होंने मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया, आज भी बेरोजगारी चरम पर है। अब हालांकि राहुल की गारंटी का प्रचार प्रसार तेजी के साथ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 3 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, क्या इस गारंटी पर विश्वास है? देखिए अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बारी बारी से दोनों की ही सरकारें रही और दोनों ही सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए, तो जनता को तो सच बताऊं तो ना भाजपा की गारंटी पे विश्वास है और ना कांग्रेस की गारंटियों पे विश्वास है। लेकिन एक बहुत अच्छा सा शब्द ये लोग उठा के लेके आए हैं कि गारंटियों की भी गारंटी। आप सोचिए इतने बड़े शब्दों की जरूरत क्या है कि गारंटी की भी हमें डबल गारंटी देनी पड़ रही है, क्योंकि वाकई में काम तो कुछ हुआ नहीं है पहाड़ों पे। आप देखिए 8 जिलों की अगर हम बात करें तो जनता ने दिखाया अपना कि पहले उन्होंने भाजपा पे भरोसा किया कुछ नहीं हुआ, फिर उन्होंने कांग्रेस पे भरोसा किया कुछ नहीं हुआ, अगेन भाजपा पे भरोसा किया। और एक दूसरी पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहाड़ी जिलों की अगर हम बात करें तो वहां पे अराउंड 50-55% वोटिंग ही होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो वहां से पलायन कर चुके हैं, वहां पे लोग ही नहीं रह रहे हैं। तो 50-55% में अगर आप थोड़े बहुत वोट लेके जीत भी जाते हैं तो उसमें इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है कि पूरी की पूरी जनता आपके पीछे है या आपको सर आंखों पे बिठाना चाहती है। क्योंकि जिन अगर हम उत्तराखंड को लेके गारंटियों की बात करें तो देखिए उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हो रहा है, जो विकास के नाम पे अंधाधुंध वहां पे कटान हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, उसकी गारंटी उधर के लोगों की जनता को कौन देगा? जो यहाँ पे बेरोजगार जो युवक हैं जो पलायन कर रहे हैं नौकरी की तलाश में, उसको गारंटी कौन देगा? जो उत्तराखंड के अंदर जो बच्चियां मर रही हैं उनकी सुरक्षा को लेके गारंटी कौन देगा? दरअसल ये उत्तराखंड के लोगों को तो ये छोटी छोटी गारंटी दे दो ना, आप बड़ी बड़ी गारंटियों की बात मत करिए। उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश है, 5 सांसद है, आप इनको इन इन चीजों की गारंटी यूकेडी के पास छोटी मोटी तो अच्छे खासे मुद्दे हैं भाई, आप हमें मूलभूत सुविधाएं वहां पे दे दीजिए। हमारी जो प्रसूताएं जो मर रही हैं, जहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, रेफर किया जा रहा है, आप उसकी गारंटी दे दीजिए। तो इस तरह की गारंटी दीजिए और उस पे काम कीजिए। सिर्फ गारंटी गारंटी बोल के कुछ नहीं चलेगा उत्तराखंड के अंदर, आपको काम करना पड़ेगा। उत्तराखंड का जो प्रदेश है, जो 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 उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं उनकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन है, वो वैसे भी बहुत कठिन, और मुझे लगता है ये हर एक राजनीतिक पार्टी जो है अच्छे से समझती है कि उत्तराखंड की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो क्या कुछ कहती हैं। लेकिन वादे बड़े बड़े धरातल पर ना के बराबर चीजें नजर आती हैं, जनता त्रस्त ही नजर आती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब चुनाव आते हैं तो ये लोग क्या गारंटी देते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम लोग वोटिंग के लिए डांडी काठी भेजेंगे लोगों को ताकि वो लोग वोट करने आए। तो सोचिए 23 साल के उत्तराखंड के अंदर अगर डांडी काठी भेजनी पड़ रही है वोट लेने के लिए, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि उत्तराखंड का कितना विकास ये लोग कर रहे हैं और कितना ही उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं। उमा सिसोदिया जी का रुख कर लेते हैं। उमा सिसोदिया जी, गारंटी गारंटी का गेम शुरू हो चुका है, भारतीय मोदी की गारंटी और राहुल की गारंटी, लेकिन इस गारंटी पे जनता किसकी गारंटी पर भरोसा करेगी, क्या कहेंगी?
सबसे पहले तो एंकर महोदया सोनी जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि देश की आजादी के 75 साल बाद, मैं राजनीतिक विश्लेषण नहीं कर रही हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की गारंटी और इसकी और उसकी गारंटी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं आम आदमी हूँ, हिंदुस्तान की एक नागरिक हूँ, तो मैं वाकई में मैं जब ये सब सुन रही थी और आज के डिबेट का जब विषय आया तो मैं सोचने पर मजबूर हुई कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारी सरकारों को और हमारे देश की दो बड़ी पार्टियों को गारंटियां देनी पड़ रही है और गारंटियों की भी गारंटी देनी पड़ रही है। यानी कि पिछले 75 साल उमा जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है जी, उमा जी अनम्यूट करिए। उमा जी क्या सुन पा रहे हैं? अनम्यूट तक आप लोगों जी जी जी, यानी कि आज तक हमारे सरकारों ने जो घोषणा पत्र जारी किए थे, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो, जनता पार्टी की सरकारें रही हो, चाहे वो राज्य सरकारें रही हो, चाहे वो देश में केंद्र में मोदी जी की सरकारें रही हो, घोषणा पत्र किस काम के लिए होता है भाई? घोषणा पत्र तो खुद ही एक गारंटी पत्र होता है कि हमारी सरकार आएगी तो हमारा ये घोषणा पत्र है और आप इसको पढ़िए, हमारी सरकार जब आएगी तो हम इन सारी घोषणाओं पर हम लोग काम करेंगे। यानी कि आज तक वो छपे हुए सारे घोषणा पत्र झूठे थे, या आज आपको गारंटी देनी पड़ रही है? एक तरफ हम विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था, हम कहते हैं कि हम थर्ड अर्थव्यवस्था बनेंगे, हमारे देश में सबसे ज्यादा सेटअप हो रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारे देश में नए जो उद्योग धंधे हैं वो लग रहे हैं, और एक तरफ हम इन छोटी छोटी चीजों की गारंटी की बात कर रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ ये जो आज की बहस है ये बिल्कुल ही गलत है, ये आम आदमी और हमारे हिंदुस्तान जो पिछले साल से मुझे ऐसा लग रहा था उमा सिसोदिया जी कि जो इंडिया अलायंस है अगर कांग्रेस के पक्ष में या राहुल की जो गारंटी का जिक्र और प्रचार और प्रसार किया जा रहा है इसके समर्थन में आप कुछ बोलेंगी, लेकिन आप देखा जाए तो मैं बिल्कुल आम नागरिक की तरह बोल रही हूँ और मुझे वाकई में मोदी जी के भी गारंटी का दुख हुआ है और मुझे राहुल जी की गारंटी का भी दुख, भरोसा उसमें भी नहीं, आवश्यकता नहीं है, आपका घोषणा पत्र काफी होता है। मोदी जी ने जो घोषणाएं की उन्होंने काम किया नहीं किया उस पर अभी कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता भाई बहुत कुछ बोल रहे थे, मुझे उसमें एड ऑन करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने जो पिछले दो बार में जो जो वादे किए थे उसमें से कितने परसेंट पूरे किए। अगर आप लोग सारे वादे पूरे कर चुके होते तो मोदी जी को आज गारंटी शब्द के यूज ही नहीं करना पड़ता। आपने जो अपने घोषणा पत्र में जो 50 वादे किए थे या आपने जो डिबेट में और टीवी में बैठकर जो आपने रैलियों में जो वादे किए थे अगर आप वो सब पूरा कर चुके होते तो आपको गारंटी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं फिर से अरविंद केजरीवाल जी को उस कोर्ट को कहना चाहूंगी काम किया है नहीं, लेकिन मोदी की गारंटी पर जनता की जो प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है वो ये कि भाई मोदी की गारंटी पे थोड़ा सा भरोसा जता रही है जनता, लेकिन राहुल की गारंटी पे भरोसा नहीं है, तो जनता के विश्वास को भी टटोलना होगा। सुनी जी, चुनाव सामने है, 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद हमारे यहाँ वोटिंग होने वाली है, जनता किसकी गारंटी पे भरोसा करती है और किसकी गारंटी पे भरोसा नहीं करती ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिर भी मैं माननीय मोदी जी से इस बात की उम्मीद करती हूँ कि किसी रैली में वो दहाड़ के इस बात को बोले कि मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, अदरवाइज मुझे वोट मत देना। क्यों अरविंद केजरीवाल ही एकमात्र ऐसे नेता है पूरे देश में जो अपनी हर रैली में इसी बात को बोलते हैं कि काम किया हो तो वोट देना? आपको गारंटी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने काम किया है तो जनता देखती है आपके काम को। दिल्ली में हमारे काम को देखा गया है तभी हम लोगों की सरकार बनी। मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ उत्तराखंड में जनता का भरोसा जनता का प्यार हमें नहीं मिला हमारे, चलिए, लेकिन आपकी ये प्रतिक्रिया बता रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है फिलहाल, मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर तैयारियां चरम पर और अब इसी गारंटी को लेकर प्रचार प्रसार भी तेजी के साथ किया जा रहा है। हमारे साथ रतनमणि डोभाल जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल की गारंटी को लेकर अब प्रचार प्रसार जो है रतनमणि जी तेजी के साथ हो रहा है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो देश के 30 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार, पहली नौकरी की पक्की गारंटी, ये घोषणाएं कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं। देखिए, मैं सुन रहा था सब लोगों को, इन गारंटियों पे तो हंसी ही आती है सबके, क्या गारंटी आ रही है? हमें गारंटी याद है कि हमारे खाते में 15 लाख रुपए आने वाले थे। हमें याद है कि हमें प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने वाला था। हमें याद है कि हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को MSP मिलने वाली थी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू होने वाली थी। हमें याद है कि किस तरीके से चीजों को रखा गया था, काला धन आने वाला था।
आतंकवाद पे रोक लगने वाली थी, ये सारी गारंटियां हम और पिछले दौर में तो हम गारंटियां को सुन रहे। अब राहुल गांधी जी ने जब ये गारंटियां आ रही थी, राहुल गांधी जी ने 2019 में भी गारंटियां कुछ की थी तो लोगों ने वो गारंटियों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तो 75,000 रुपया वार्षिक, उनके 6,000 रुपया जो वो किसान निधि दे रहे थे वो 75,000 देने वाले थे, लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। सवाल ये गारंटियों पे लोग वोट नहीं करते हैं, राजनीति क्या है? लोग जो सियासत आप चला रहे हैं उस पर आप वोट करेंगे, और इन गारंटियों पर जो वो गारंटी कर रहे हैं, आप गारंटी कर रहे हैं उन गारंटियों को पूरा करने की, पूरी चीज आपको बतानी पड़ेगी लोगों को, खाली घोषणा पत्र में रखने से कि आप 30 लाख लोगों को आपने कहा कि हम देंगे, आप दे सकते हैं इतने पद तो हमारे पास स्वीकृत पद हैं, कोई आपने वो पदों को सर्जित नहीं करना है। बिल्कुल। वो हमारे आप देखें कि 30-35 लाख तो ये सरकार कह रही है कि 24 लाख केंद्र में ही जो सरकारी विभाग है उनमें पद रिक्त हैं, तो वो दिए जा सकते हैं। और दूसरा जो इसमें जो गंभीर जो सवाल हैं वो सवालों को जो एड्रेस किया करना चाहिए ये सभी लोगों को। दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है। अभी भारतीय जनता पार्टी तो 2.5 आदमियों की पार्टी रह गई है, एक मोदी जी हैं, अमित शाह हैं और बाद है वो नड्डा जी हैं। इसके अलावा कोई पार्टी जैसा हमको कहीं वो फंक्शन कर रही हो तो हमें तो दिखाई नहीं देती है कि इतने लोग हैं। और इन जो जितने भी गारंटी हैं ये पूरा इसमें अगर आप लगे तो पूरा दिन इसमें लगा सकते हैं। अभी एक जो हनी वो बहन जिक्र कर रही थी कि अब इसमें जीडीपी की बात आ रही है, प्रधानमंत्री बहुत कह रहे हैं जीडीपी 8% बढ़ गई है, हम ये कह रहे हैं जीडीपी 8% बढ़ गई है तो ये जो आप 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं उसमें कितनी कमी आई है? उसमें तो कोई कमी नहीं है, तो फिर आप ये जो जीडीपी बढ़ने के दावे कर रहे हैं ये कहाँ है? आप आयुष्मान, आपने आयुष्मान की बहुत चर्चा की, अच्छी बात है, कोई मैं उसका विरोधी नहीं हूं कि वो नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन वो किस कीमत पे आप दे रहे हैं? आप जो हमारा पैसा है, जो जनता का पैसा है, जो आपके पास रखा हुआ है, आपने उसका निजीकरण कर दिया। इनकी गारंटी सिर्फ बेचने की गारंटी है, ये इसको आप 100% नंबर इनको दे सकते हैं कि वो इसमें पास है, हर चीज बेचने में लगे हुए हैं। इन्होंने जो हमारा पैसा जो सरकार के पास था उसका भी निजीकरण कर दिया, और जो सरकारी हमारे हॉस्पिटल थे उनको आप डॉक्टर नहीं दे रहे हैं, उनको आप स्वास्थ्य उपकरण नहीं दे रहे हैं, और जो हमारा पैसा था उससे कह रहे हैं कि आप उस दुकान पे चले जाओ, वहां अपना इलाज करा लो, और वो लोग जा रहे हैं, और उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी भी अखबारों में आ रहा है कि लोगों ने फर्जी रूप से आंकड़ेबाजी का जिक्र हालांकि हनी पाठक जी कर रही थी, लेकिन आंकड़े मीडिया के पास भी बहुत मुझे लगता है सटीक रहते हैं। और हालांकि इस बात को लेकर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए उस मुद्दे को ना लाकर इसी मुद्दे पर रहते हैं हनी जी। किसी भी चीज को निजीकरण कर देना क्या विकास की परिभाषा है? इसे आप विकास कहते हैं? ऐसा है सोनी जी, अब मैं आपकी बात का जवाब नहीं, उससे पहले विपक्ष ने जितने सवाल मुझे जवाब सवाल लगे उसका जवाब मैं देती हूँ। शुरुआत करती हूँ मीनाक्षी गिल्डियाल जी से। मीनाक्षी गिल्डियाल जी ने कहा कि भौगोलिक परिस्थिति हमारे उत्तराखंड की वैसी नहीं है जैसे और राज्य की है। बिल्कुल उचित बात है, वाकई में हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति वैसी नहीं है जैसे और राज्यों की, और राज्य प्लेन है हमारे उत्तराखंड में, भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही विषम है। दूसरी बात मैं इनको ये भी बताना चाहूंगी, इन्होंने अपनी ही बातों में दो बातें कही। इन्होंने ये भी कहा कि विकास के नाम पर विनाश किए जा रहे हैं, जब उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति वैसी नहीं है जैसे वो किसी और राज्य की है तो विकास करने में थोड़ा बहुत अगर विनाश की बात आती है तो उसमें आपके पेट में दर्द हो जा रहा है। दूसरी बात मैं इनको कहना चाहूंगी, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति और स्थिति को बढ़ाने में यहाँ के लोगों का पलायन रोकने के लिए ऑल वेदर रोड की शुरुआत करी गई, जिससे कि 12 महीने वहां पर पर्यटक आते रहे जाते रहे, लोगों का विकास होता रहे, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में पर्यटक से ही और पर्यटन से ही सबसे ज्यादा विकास होता है। तीसरी बात का मैं इनको जवाब देना चाहूंगी,
जो इन्होंने कहा कि डांडी से इससे उससे वैसे और जगह पर ही ले जाया जाता है, तो जरा सा ये देखिए, बिल्कुल अपने कमरों से निकलिए और जाकर देखिए कि उत्तराखंड में सड़कों की हालत अब कैसी है। अब उन उन जगह उन गांव में भी सड़कें पहाड़ का विकास अभी तक नहीं हुआ, ये बात बार बार निकल कर सामने आ रही है। पहाड़ के लोग पलायन करने को मजबूर है। हनी जी, पहाड़ में पलायन, लेट मी कंप्लीट सोनी चौहान जी, अभी अगर आप आंकड़े को देखेंगे तो पलायन रेट में काफी कमी आई है हमारे भारतीय जनता पार्टी के बाद, सरकार के बाद से पलायन रेट काफी ज्यादा घटा है। अब मैं दूसरी बात का जवाब देना चाहूंगी नौटियाल जी के और बाकी लोगों के, हमारे भाई साहब है रतनमणि डोभाल जी के, जो ये कह रहे हैं कि हमारे पैसे से आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जा रहा है। ऐसा है भाई साहब, जो व्यक्ति की प्रति वर्ष आय उतनी होती है कि जिससे वो टैक्स पे करता है, वो टैक्स पूरी तरीके से सरकारों में जाता है और उसी से जनता का भला होता है, तभी हम कहते हैं कि हम वोट इसलिए देते हैं, टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि हम देश को प्रगति पर लेकर जाना चाहते हैं। तो जब आपकी आमदनी उतनी है तभी आप टैक्स दे रहे, जरूरी नहीं है कि आपका उसके साथ साथ एक बात और जुड़ी हुई थी। हनी जी, उसके साथ साथ एक बात और जुड़ी हुई थी, वो ये कि इसमें भी भ्रष्टाचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए इसके तहत। एक नंबर पे कई सारे आयुष्मान कार्ड जो है रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जहां पर डॉक्टर्स की तैनाती होनी चाहिए वहां पर डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं होती। ये सारी समस्याओं से जनता जूझ रही है। मैं उसी का जवाब दे रही हूँ, मैं उसका जवाब दे रही हूँ, आप बीच में इंटरप्ट कर दे रही, मैं किसी भी विपक्ष की बात का जवाब देना दिए यहाँ लेंथी हो जाएगी बात, हनी जी इतना समय नहीं होता ना। जो ये कह रही है, जो ये कह रहे हैं कि उसमें इस तरीके का भ्रष्टाचार देखने को मिला, तो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला है। ये सिर्फ अपनाएं उड़ाई गई हैं जो कि जनता पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, पूरे इतिहास की बात ये लोग कर रहे थे कि किसको इतिहास में क्या मिला है क्या नहीं, पांच किलो अनाज की बात भी कर रहे थे, 5 किलो अनाज से लेकर हर तरीके का अनाज इस समय गरीबी रेखा से नीचे स्तर करने वाले लोगों को प्राप्त हो रहा है। जरा जाकर उनसे पूछिए मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है। और जहां तक बात अर्थव्यवस्था की है, तो कोरोना जैसी विषम परिस्थिति के बाद जहां बड़े बड़े देश धराशायी हो गए थे, वहां पर हमारी देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर उभरी हुई है और किसी भी प्रकार से यहाँ के देश के लोगों को विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। बदलाव क्या है आप इस चीज से देखिए, एक दशक पहले सोनी चौहान जी 11.68 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय नहीं थे, आज उनके पास इज्जत घर है। एक दशक ये प्रॉब्लम है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता बैठता है वो फिर योजनाओं का जिक्र करता है। योजनाओं के बारे में मुझे भी पता है, जानकारी है, हम योजनाओं को लेकर नहीं बैठे हैं हनी जी, हम ऐसे नहीं सुन सकते ना, योजनाओं के बारे में पता है बखूबी। उमा जी का रुख कर लेते हैं, उमा जी का मुद्दा है गारंटी, तो गारंटी पे जो गारंटी हमने अब तक करी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी भ्रष्टाचार होता है, जिसको आवास मिलना चाहिए उसको आवास नहीं मिलता है। आयुष्मान कार्ड धारक हनी जी, उसमें भी भ्रष्टाचार चरम पर है। एक ही नंबर पर न जाने कितने कार्ड निर्धारित कर दिए जाते हैं, रजिस्टर्ड कर दिए जाते हैं, उसमें बाकायदा के न्यूज ने डिबेट की है। और इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप लोग जिक्र करते हैं, उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, न जाने कितनी डिबेट्स हो चुकी हैं। आप योजनाओं का जिक्र मत करिए, योजनाओं के बारे में बखूबी पता है। उमा सिसोदिया जी, आपको 2G घोटाले में नजर आई, उमा सिसोदिया जी का रुख कर लेते हैं हनी जी, और भी मेहमान हैं हनी जी, वापस लौटते हैं तब आप अपनी बात को पूरा करिएगा। आपने अभी कहा कि आप लोगों को जब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बैठाओ वो अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं। आप अपने मुद्दों को एक बार जरा गौर से देखिए, आपने गारंटी का मुद्दा उठाया, तो जो गारंटी हमने अब तक पूरी करी है उस गारंटी की बात तो इस डिबेट में होगी। और दूसरी जो और घोषणा पत्र की बात करेंगे वो भी बिल्कुल, घोषणा पत्र की बात बिल्कुल करिए, लेकिन घोषणा पत्र में जो दावे घोषणा पत्र में किए जाते हैं क्या वो पूरे होते हैं हनी पाठक जी? सरकार ने वादा किया था कि हनी पाठक जी वो पूरे नहीं होते, राजनीतिक दलों का चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हनी पाठक जी आर यू लिसनिंग, हनी पाठक जी चलिए उमा सिसोदिया जी कुछ कहना चाह रही है, सुन लेते हैं। ठीक है, घोषणा पत्र पर भी आते हैं।
उमा सिसोदिया जी का रुख कर लेते हैं। जी सोनी जी, इस पूरी बहस को जो मैंने अभी देखी है, विपक्ष तो चलो हम ठीक है, हम आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, हम यूकेडी हैं, आप हमारी आवाज को चुप करा सकते हैं, आप हमें कुछ भी कह सकते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और इस समय हम लोग वॉर की स्थिति में, हम लोग चुनाव में, आप हमें कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हनी जी एक पत्रकार को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, वो वाकई में मेरे लिए थोड़ा सा मतलब क्वेश्चनेबल था। आप पत्रकार हैं, अगर आप कोई बात कह रही थी तो आपकी बात को सुनना चाहिए। हमारे देश का, हमारे लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ होते हैं पत्रकार। वैसे ही सारे जो पत्रकार हैं वो गोदी मीडिया की श्रेणी में रखे दिए जाते हैं, हंसी में मजाक में गोदी मीडिया कहा जाता है। अगर कोई पत्रकार सही बात को रखने की कोशिश कर रहा है, आपसे चलते हैं, गोदी मीडिया की चौथा स्तंभ नहीं नजर आता। मुझे ठीक नहीं लगा, जो मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने पूरा सोशल मीडिया आप लोगों ने भर रखा गोदी मीडिया कह के, तब आप लोगों को मन आहत नहीं होता? अभी तो चौथे स्तंभ का मन आहत करना चाहिए। अब ये सोशल मीडिया और ट्विटर कहाँ चला जाता है? सोनी जी ने मुझसे ये कहा, हनी पाठक जी मुद्दा ये नहीं है, और उमा जी ठीक है, तो मैं उनको यही बता रही हूँ, आपके डिबेट का ये मुख्य अंश है। ठीक है ठीक है ठीक है उमा जी ठीक है। पूरा सोशल मीडिया सोनी मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल गांधी की गारंटी, अब किसकी गारंटी पे जनता कितना भरोसा करेगी? या घोषणा पत्र को लेकर हम बात कर रहे हैं। अभी हनी जी ने कहा कि 80 लाख लोगों से जाकर पूछिए जो गरीबी रेखा से नीचे है, वो मोदी की गारंटी का क्या मतलब है? दुख होता है देखिए, 80 लाख गरीबी से रेखा की डिबेट को प्रीवियस करिए, मैंने 80 लाख से ज्यादा नीचे गरीबी रेखा से नीचे वाला शब्द नहीं बोला है। डिबेट रिवर्स करके सुनिए, डिबेट रिवर्स करके सुनिए, 80 लाख से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे वाला शब्द मैंने नहीं बोला। पांचवी अर्थव्यवस्था है जिसमें की 80 लाख लोगों के पास राशन नहीं है खाने के लिए, 5 किलो राशन के लिए मोहताज है। चलिए फिलहाल जमीनी हकीकत कुछ और है, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ लगातार कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, अब राहुल की गारंटी को लेकर आप के जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे आप लोग, कैसे संभव होगा भाई? इसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी बनाई है कांग्रेस ने, क्या रणनीति है, कैसे पॉसिबल होगा? हालांकि ये बात की बात है सोनी जी, केंद्र में 40 लाख पद खाली पड़े हैं और राज्यों में पद अलग खाली पड़े हैं, पद पूरे खाली हैं लेकिन सरकार को भरने ही नहीं है। हम लोग उन पदों को भरेंगे और पदों को भर के निश्चित, मैडम आप देखें, इस समय आपने एक नया ताजा मुद्दा सुना होगा इलेक्शन बॉन्ड नाम से जो चल रहा है, और जिसमें स्टेट बैंक स्विस बैंक का काम कर रहा है, वो कहता है मैं नाम बताने को तैयार नहीं हूँ, चुनाव से पहले मेरे पास चुनाव बताने के लिए कौन सा आंकड़ा इकट्ठा करना है आप बताएं। स्टेट बैंक जो है 2017-18 का इलेक्शन बॉन्ड है, उस टाइम सब कुछ ऑनलाइन था, ऑनलाइन डाटा बना हुआ है, अगर स्टेट बैंक चाहे तो एक क्लिक पे सारा डाटा निकल के आ जाएगा, किसने बनाया, कहां गया, सब पता लग जाएगा। पर वो भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए उसको बताने को तैयार नहीं है, और आज से हमारे फिर उन्होंने जो चीफ जस्टिस है उन्होंने फिर बोला इस बात को कि वो आंकड़ा इन्हें पहले देना पड़ेगा। जिस दिन वो आंकड़ा आएगा मैडम, ये पूरी तरह से सब कुछ साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से 10 साल के अंदर किस तरह पैसों का खेल खेला है, हर किसी पार्टी, हर लोगों से, व्यापारियों से पैसा ले लेकर किस तरह उन्हें लाभ दिलाया है, उनके व्यापार को लाभ दिलाया है, सब आंकड़े सबके सामने आ जाएंगे। और गारंटी मैडम, विश्वास कैसे करें भारतीय जनता पार्टी की गारंटी पर? इन्होंने कहा था हम आएंगे तो हम काला धन लेके आएंगे, उनके नाम सार्वजनिक करेंगे, बताएं मैडम वो लोग कौन है जिनका पैसा जमा है स्विस बैंकों में, क्या उनका नाम सार्वजनिक कर पाए? आप इंडिया के लोगों का नाम सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं तो उस नाम को कहां सार्वजनिक कर पाएंगे? झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर कितने झूठ, जनता देख रही है कि कौन कितना झूठ बोलता है। आज आप गूगल में लिखेंगे सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है देश विश्व का, तो उसमें किसका नाम आता है ये देख लेना आप लोग। सिर्फ झूठ बोल के राजनीति करना सही नहीं है, आप जनता के हितों को देखें। आज आप रोजगार की जब बात आती है ये लोग शांत हो जाते हैं, ये उन बातों पे जिक्र करते हैं जिनकी कोई बात ही नहीं हो। नहीं, लेकिन जो जो वादे किए गए राहुल की गारंटी के नाम पर, आपको नहीं लगता कि इसे पूरा करना क्या इतना आसान होगा? निश्चित आसान है। पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी, एक इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, ये बड़े बड़े दावे हैं। नहीं है, हमने भरा है मैडम, सुनिए मैडम, हमने सरकारी नौकरियां दी हैं, पेंशन दी है, ये तो सबका जीता जागता उदाहरण है, आप लोग देख सकते हैं हमारे टाइम पे पेंशन मिलती थी। इन लोगों ने आने के बाद देश को किस ओर ले गए कि आपने पेंशन ही बंद कर दी?
अगर आप सुविधाओं को बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप नुकसान में हैं, आप फायदे में देश को नहीं ले जा रहे हैं। आप देखिए 2013 से पहले देश के ऊपर कर्जा कितना था, 2013 के बाद कितना कर्जा हो गया, इस चीज को देखें समझे। कितना सारे के सारे दूसरी पार्टियों में नेता नजर आ रहे हैं और अपनी पार्टी के नेताओं का आप गला दबाने का काम कर रहे हैं, अपने लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस से उठा के लाना है, ये आम आदमी से लाना है, ये हमें ज्यादा बोलते हैं। बताएं संजय सिंह जी, आम आदमी के जो वो हैं राज्यसभा सांसद, कितना बढ़िया बोलते थे और कितनी सच्ची बातों को रखते थे, उन्होंने उठा के जेल में बंद कर दिया, उनका कोई बात ही नहीं होती है। आप मनीष सिसोदिया को देखिए, इतने बड़े नेता को आपने उठा के अंदर कर दिया, किसी को आप जेल के अंदर रख देते हैं। अगर कोर्ट कहता है कि आप नाम सार्वजनिक करो, आप कहते हैं नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, सिर्फ झूठ की गारंटी। मोदी मतलब झूठ की गारंटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और है तो आप बताएं ना, आप क्यों डरते हैं इन सब बातों को लेके, जिन घोषणाओं को लेकर आप लोग आए थे। 2-4 करोड़ मकान अगर बने हैं जो आपने गरीबों के लिए बनाए, तो उत्तराखंड के इससे कितने मकान आए आप हमें ये बता दें। हम उत्तराखंड हमारे नजदीक हम जाके देख के आ रहे हैं। पत्र का अगर जिक्र करें यहाँ पर, तो चाहे कांग्रेस रही हो या भारतीय जनता पार्टी, पूरे पूरे दावे वादे तो किसी ने पूरे नहीं किए जो घोषणा पत्र में शुमार रहे। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं, एक बार रुक कर लेते हैं यूकेडी प्रवक्ता का, मीनाक्षी जी का। मुझे लगता है फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उमा सिसोदिया जी का रुख करेंगे, उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार जी का रुख कर लेते हैं रतनमणि जी का। रतनमणि जी, क्योंकि अब जीत को लेकर ये पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, जो ये गारंटी वॉर शुरू हुआ है, यहाँ पर राहुल गांधी की गारंटी कितनी टक्कर दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को, और यूकेडी को अगर कहा जाए तो वो अपने अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए ये तो कांग्रेस के संगठन पर निर्भर करता है कि वो उन्होंने जितने जो गारंटियां 5 गारंटियां की हैं, उन गारंटियों को लेके वो ग्रास रूट तक कितना जा पाते हैं, ये उस पर निर्भर करेगा। जो स्थिति कांग्रेस की बहुत अच्छी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। ने तो इनके पास तो ये मुद्दे, हमें भी जब खुशी हुई थी जब ये जो गारंटी प्रधानमंत्री ने की थी लाल किले की प्राचीर से, और मैं भी ताली बजाने वालों में था कि उन्होंने कहा था कि जब अमृतकाल आएगा 15 अगस्त 2022 को, और तब तक हम हमारे देश में सबको पक्की छत मिल जाए, पक्का घर मिले, पक्की छत मिलेगी, नल मिलेगा, नल में जल मिलेगा, शौचालय मिलेगा, ये कहा था। और मैंने भी फिर उनके भाषण सुनते हुए मैं भी ताली बजा रहा था कि कम से कम एक जो लोग आज दर दर भटक रहे हैं जिनके ऊपर छत नहीं है वो छत मिलेगी। वो गारंटी कुछ नहीं हुआ। आपको कुछ गारंटियां मैंने पहले आपको गिना दी, ये 2 करोड़ रोजगार की गारंटी, वो उसका कहीं पता नहीं। उस पर भाजपा के प्रवक्ता कोई चर्चा भी करना नहीं चाहते कि उन गारंटियों का क्या हुआ। हालांकि गृह मंत्री ने कह दिया था कि वो जब 15 लाख की बात आई, वो कह रहे वो चुनाव जुमला था वो ऐसी था, चलिए वो तो जुमले में चला गया, लेकिन ये रोजगार की गारंटी क्या सवाल है। और इसी में जो ये कहा गया, इसमें मैं एक चीज ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी ने पिछले जो विधानसभा चुनाव में ये कहा था कि हम ओपीएस लागू करने, पुराने पेंशन का उसका लाभ मिला उन्होंने हिमाचल में, कर्नाटक में, और उसको किया था राजस्थान में, पुरानी पेंशन लागू हो गई थी, हिमाचल में उन्होंने उस गारंटी को पूरा किया है, कर्नाटक में भी उस गारंटी को पूरा किया है। तो ये एक वादा तो हम कह सकते हैं कि राहुल ने वो चुनाव में गारंटी दी थी उसको उन्होंने पूरा कर लिया। हालांकि राजस्थान में उनकी सरकार जाते ही उन्होंने बंद कर दिया उसको, उन राहुल की गारंटी को। ये सवाल ये है कि ये अभी जो गठबंधन के और इसकी जो राजनीति चल रही है, इसी में ही इनके साथ दिक्कत है कांग्रेस के साथ, बिल्कुल, कि वो कैसे करेंगे, वो अपनी रणनीति भी सामने नहीं आ रही है कि अपनी ठोस रणनीति के सहारे अगर कांग्रेस आगे बढ़े तो मुझे लगता है फिर भी, और मजबूती से उन मुद्दों को उठाए तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सार्थक हो सकता है। मीनाक्षी घिल्डियाल जी भी जुड़ चुकी है। मीनाक्षी जी, क्षेत्रीय यूकेडी पार्टी का अगर जिक्र करें, क्योंकि मुद्दे लगातार तैयारियों को लेकर बात की जाती है, लेकिन अभी तक तैयारी जो है वो सार्वजनिक होती हुई नजर नहीं आ रही है। भाई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर यूकेडी भी बहुत अच्छे से सवाल उठाती है, तो आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं, क्या तैयारी है?
देखिए हम लोग हमने एक बार पहले भी कहा था कि हम लोग चुनाव लगातार लड़ते रहेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने का अर्थ है कि हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कहीं इन बड़ी बड़ी गारंटियों के बीच में गौण ना हो जाएं, इसलिए जनता के बीच में क्षेत्रीय मुद्दे जिंदा रहें, इसलिए हम लोग पांचों सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और जनता हमें किस तरह से लेती है ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हनी पाठक जी की एक बात पे मैं गौर फरमाना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा था कि विकास के लिए विनाश तो झेलना पड़ेगा, तो मैडम आपको ये बात बता दूं कि उत्तराखंड में अगर विनाश हो रहा है तो ये पूरे भारत का विनाश हो रहा है। अगर वहां पे पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ होगी तो पूरे भारत पे इसका असर पड़ेगा, जिस प्रकार से आप लोग देख ही रहे होंगे कि असम है जो बारिश है, ओले हैं, ये सब इसी का परिणाम है कि जहां जो वहां की पहाड़ों पे गलत तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है। आप कहती हैं कि 12 महीने वहां जो रोड है, 12 महीने की रोड खोल दी गई है, आप धरातल पे आप जाके देखिए, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखने की जरूरत है कि उन 12 महीनों में से कितने महीने वो रोडे जो है वो चलती हुई बनती है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि धरातल की अगर आप बात करती हैं तो आपके पास तो उत्तराखंड के आंकड़े तक नहीं है, आप तो केंद्र के आंकड़ों की बात करती हैं हर डिबेट में आके, आप उत्तराखंड के आंकड़ों की बात कीजिए। आपको पता है कि 2018 से लेके 22 तक 24 गांव यहां पे वीरान हो गए, और यदि वहां पे पलायन नहीं हो रहा है तो स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? और अगर गारंटी देनी ही है तो आप गारंटी दीजिए, भू कानून की गारंटी दीजिए, मूल निवास की गारंटी दीजिए, आप गारंटी दीजिए कि राजधानी गैरसैंण बनाएंगे। और अगर आपको आपको आपका ही एक वादा भी याद दिला देती हूँ कि आप लोगों ने वादा किया था कि भाजपा की सरकार आते ही 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति होगी जिससे कि भ्रष्टाचार कम होगा। लोकायुक्त की आप बात भी नहीं करते हैं, लोकायुक्त की बात भी आप कांग्रेस भी इन मुद्दों को उठा रही है। जो स्वच्छता सफाई अभियान पे आपने करोड़ों रुपए खर्च किए, आज उस स्वच्छता का हाल आप देहरादून जैसी जो स्मार्ट सिटी का आप नाम लेते हैं ना, अब वहां पे आके देखिए कि वहां पे स्वच्छता के क्या हाल है। आज जितने पोस्टर मीनाक्षी जी, कांग्रेस भी यही सवाल उठा रही है, विपक्ष लगातार इन्हीं मुद्दों को उठा रहा है। हनी पाठक जी, और मुझे लगता है ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद दिल के करीब है, और देखा जाए तो इसको लेकर बहुत जी। रतन हनी जी आते हैं, एक मिनट, रतन मणि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद उमा जी का रुख करेंगे। रतन मणि जी, जी अब मैं जवाब दूं इनकी बात जी जी बिल्कुल हनी जी वेट रतन मणि जी जवाब दूं इनकी बात का। करीबी जब से उत्तराखंड को दिल के करीब रखा है तब से उत्तराखंड के मीनाक्षी जी आपकी बात कंप्लीट हो गई, आपकी बात कंप्लीट हो गई, उमा जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रतन मणि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये मैं जो कह रही थी उसी पर ये कह रहा हूँ कि ये जो ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं बार बार, उसको लेकर भी बहुत सवाल उठाए गए। ये ऑल वेदर रोड तो 6 अगस्त 2008 को इसका मनमोहन सरकार ने इसका प्लान किया था। ठीक है हनी जी, आप करो करेंगे हनी जी। और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि ऑल वेदर की आप बात कर रहे हैं, एक वेदर भी उसने झेला नहीं। ऑल वेदर रोड का क्या हश्र हुआ वो सबने देखा, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठाए गए हैं। हनी पाठक जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि समय कम है। हनी पाठक जी, 5 गारंटी कांग्रेस की, कांटे की टक्कर, क्योंकि राह इतनी आसान होने वाली नहीं है, क्या लगता है जनता का भरोसा किस ओर जाएगा? जनता का भरोसा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर था, है और रहेगा। और क्या कांग्रेस गारंटी देती है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन सच के ऊपर उंगली रखती है, अंगूठा अपना वहीं, सिग्नेचर अपना वहीं करती है जो व्यक्ति सच होता है। दूसरी बात, मीनाक्षी केजरीवाल जी ने अभी ये कहा कि इन्होंने कहा है कि विकास होगा तो विनाश होगा ही। इन्होंने अपने वक्तव्य में ये बात कहा था कि विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं, तो उसमें मैंने कहा था कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि उत्तराखंड में कुछ कर नहीं रहे, और जब कर रहे हैं तो फिर आप इस तरीके की बात करती हैं। दूसरी बात मैं इनको कहना चाहूंगी, देखिए ऐसा सोनी चौहान जी, बीच में इंटरप्ट मत करिए। चलिए हनी जी, समय कम है, अपनी बात को पूरा कर लीजिए, हो गई थी, ठीक है। अरे यार, क्या डिबेट में प्रवक्ता बैठते हैं, जब मैं बोल रही हूँ कि आप अब आप चुप हो जाइए, मैं चुप हो रही हूँ, ठीक है। हनी जी अपनी बात को पूरा करिए, आप चुप थी। मीनाक्षी जी, सोनी चौहान जी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सुनाई नहीं दे रहा होगा, मुझे दिखाई भी दे रहा है हनी जी, तो मैं चुप थी। हनी जी मुझे दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। और मीनाक्षी जी चूंकि समय कम है, फाइनल कमेंट हनी पाठक जी का लेना है। हनी पाठक जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए। रुई लगा ली थी जब मैं इनको कह रही थी धर्मांतर कानून, नकल विरोधी कानून, महिलाओं को 30% सरकारी नौकरी में 36 आरक्षण,
ये सारी बातें मैंने उत्तराखंड की करी थी और उत्तराखंड स्वास्थ्य की बार बार बात उठाती हूँ। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में महिलाओं को सबसे बड़ी सौगात दी गई थी। हरिद्वार में मातृ शिशु के लिए बनेगा 200 बेड का विंग, स्वास्थ्य विंग, और इसमें इनको 2000 रुपए भी मिला करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार पांच गारंटी, जो पांच बड़े वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं, एक तरफ मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल गांधी की गारंटी, अब किसकी गारंटी किसको कितनी टक्कर देती है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव यानी कि उत्तराखंड की पांच सीटों को लेकर जो टक्कर है वो कांटे की है, लेकिन जनता का भरोसा किस गारंटी पर विश्वास करती है जनता, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही, आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।